Hey guys, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक बटरफ्लाई, वो भी क्रेयॉन्स कलर से। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक रफ आउटलाइन बनाएंगे बटरफ्लाई का, जैसे मैंने अभी बनाया। उसके नीचे एक फ्लावर का आउटलाइन बनाएंगे। अभी इसका जो रियल शेप है वो ड्रॉ करेंगे रफ आउटलाइन को फॉलो करके। तो गाइस, ये मत भूलना कि कुछ भी हम लोग ड्रॉ करें तो पहले एक रफ आउटलाइन बनाना, जिसके हेल्प से हम लोग अच्छे से एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। अभी मैं बटरफ्लाई का जो शेडो है फ्लावर पे जो पड़ रहा है उसको मैं कर रहा हूँ। आउटलाइन ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम लोग कलर करेंगे प्लास्टिक क्रेयॉन्स से। पहले ब्लैक से जितने भी ब्लैक एरिया है उसको फिल कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। ब्लैक के बीच में जो वाइट एरिया है उसमें रेड और ऑरेंज कलर से हम थोड़ा कलर करेंगे, और उसके बाद येलो कलर से उसको पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद वाइट जेल पेन से जो ब्लैक में वाइट डॉट होते हैं उसको हम लोग करेंगे, थोड़ा रियलिस्टिक लुक दिखाने के लिए। अभी डार्क पिंक से बटरफ्लाई का शेडो जो फ्लावर के ऊपर पड़ रहा है उसको दिखाने के लिए यूज करेंगे। और अभी उसके ऊपर हम लोग वायलेट कलर यूज करेंगे थोड़ा डार्क दिखाने के लिए। तो अभी के सनलाइट के पार्ट को करने के लिए हम लोग नॉर्मल पिंक जो है उसको यूज करेंगे हाईलाइट को दिखाने के लिए, और फिर वायलेट कलर से आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके कर लेंगे। स्टेम पे हम लोग ग्रीन कलर को यूज करेंगे, और बैकग्राउंड में हम लोग हल्का सा स्काई कलर कर देंगे और खत्म। तो गाइस, बताना कैसा हुआ है क्या नहीं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।